हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किया था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम उसका सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का। तो hydrocarbons are categorized into two types. One of them is your aliphatic hydrocarbons. तो उस aliphatic hydrocarbons में हमने कल देखा, there are two types of aliphatic hydrocarbons. One of the aliphatic hydrocarbon is your saturated hydrocarbons and the second one is your unsaturated hydrocarbons. आगे दोस्तों घर में, तो एक है saturated which contains single bond, all the valencies of the carbon atom are satisfied by single bond, that are called as the saturated hydrocarbons. And the second one is your unsaturated hydrocarbons, in which there is a presence of multiplicity of the bond, means there is a presence of either carbon-carbon double bond or carbon-to-carbon triple bond. तो सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। तो आज हम उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, जो तीनों का एग्जांपल हमने कल देखा था, सिंगल बॉन्डेड का एग्जांपल हमने देखा, डबल बॉन्डेड का एग्जांपल हमने देखा, ट्रिपल बॉन्डेड का भी एग्जांपल हमने देखा, तो उसमें का जो सिंगल बॉन्डेड है उसका एग्जांपल मैंने कल बताया था, एंड दैट वन इज योर अल्केन्स। तो सिंगल बॉन्डेड का एग्जाम्पल हमने कल देखा था अल्केन्स, डबल बॉन्डेड का एग्जाम्पल हमने देखा था अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्डेड का एग्जाम्पल हमने देखा था अल्काइन्स। तो उसमें से अल्केन्स क्या होते हैं, यह हम आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। कल तो हमने डेफिनेशन देखा था, अल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड and having the general molecular formula CnH2n plus 2। आपको याद होगा दोस्तों, alkanes, these are saturated aliphatic hydrocarbons containing carbon to carbon single bond and having the general molecular formula CnH2n plus 2। तो ये अल्केन जो है उसको आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अभी मालूम है अल्केन्स हैविंग द जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला CnH2n plus 2। तो ये जो अल्केन है, यहाँ पे अगर हम अल्केन के एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों, सपोज हियर इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1, अगर यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर मैंने एक कार्बन लिया है, n की वैल्यू अगर मैंने 1 यहाँ पे पुटअप की इन दिस फॉर्मूला, अगर एक कार्बन है, ये रिलेशन मैंने कल आपको बताया था, जितने भी कार्बन आप लेंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, उससे डबल प्लस 2। अगर आप, हमने यहाँ पे एक कार्बन लिया, उसको डबल करना है आपको, मतलब 2 दुगना कर दे उसको, उसमें और दो ऐड कर दो, मतलब 4 हो जाएंगे, 2 plus 2। देयरफॉर हियर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 4 एंड दिस अल्केन इज कॉल्ड एज मीथेन। ये जो अल्केन है इसको हम मीथेन बोलते हैं। सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2, देन अगर दो कार्बन है तो उसको हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, उसको डबल करो 2 को, होगा 4, उसमें और 2 ऐड कर दो, 4 में 2 ऐड अगर कर दिए तो 4 plus 2, दैट इज 6। देयरफॉर हियर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आर 6 एंड हियर दिस वन इज योर इथेन। द वैल्यू ऑफ n इज 3। अभी आपको सिंपली ये कैलकुलेशन इजीली आपको आ सकता है। अभी अगर n की वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजन उसके डबल प्लस 2, मतलब 8 हो जाएंगे। तो वो जो अल्केन आपका फॉर्म हो जाएगा, दैट वन इज योर प्रोपेन। सिमिलरली हियर इफ n इज इक्वल टू 4, देन इट गिव्स C4H10, दैट वन इज योर ब्यूटेन। इफ n इक्वल टू 5, देन इट गिव्स द फॉर्मूला C5H12, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज पेंटेन। तो दोस्तों
एक एक कार्बन हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, उसका फॉर्मूला चेंज होते जाएगा। अगर 6 कार्बन है तो C6H14, 7 कार्बन के लिए C7, 7 कार्बन उसके डबल 14+2 16, C7H16, 8 कार्बन अगर है तो C8H18, 9 कार्बन के लिए C9H20। अगर दोस्तों 10 कार्बन है तो उसका फार्मूला आपका हो जाएगा Fn=10, देन इट यूज द फार्मूला C10H22 व्हिच इज नोन एज डेकेन, उसका नाम है यहाँ पे डेकेन। तो ये तो 10 कार्बन हो गए आपके, 10 कार्बन के नेम्स आपको आने चाहिए। देखो फटाफट मैं आपको बोल देता हूं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया पांचों। 6 कार्बन का हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्टेन, 8 कार्बन का ऑक्टेन, 9 कार्बन का नोनेन, 10 कार्बन का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया डेकेन। अगर 11 कार्बन है तो दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, आपको तो पता चल गया अभी, C11H, उसको डबल करो। 11 को अगर हम डबल करते तो कितना हो जाएगा 22, उसमें 2 ऐड करो, 22+2 दैट इज 24, इट इज कॉल्ड एज अनडेकेन। तो अन मींस वन, यूनी अन मींस वन एंड डेकेन मींस 10, 1+10 दैट इज 11, 11 कार्बन हो गया आपके अनडेकेन। वैसे अगर 12 कार्बन है, फार्मूला तो आप सभी को अभी आ सकता है, 12 कार्बन है, 12 कार्बन अगर है तो हो जाएगा आपका C12H26 एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज डो डेकेन, डो डीओ, डो मीन्स 2 एंड डेकेन मीन्स 10। अगर 13 कार्बन है तो इसको उसको बोलेंगे हम ट्राई डेकेन, ट्राई मीन्स 3, डेकेन मीन्स 10। अगर 14 कार्बन है, 14 कार्बन है तो टेट्रा डेकेन, टेट्रा मीन्स 4 एंड डेकेन मीन्स 10। 15 कार्बन का जो कंपाउंड है उसका फार्मूला है C15H32 एंड इट गिव्स द फार्मूला C15H32, तो उसका नाम आ जाएगा आपका पेंटा डेकेन, पेंटा मीन्स 5 एंड डेकेन मीन्स 10। ओके, सिमिलरली हियर 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 18 कार्बन है तो ऑक्टा डेकेन, 19 कार्बन है नोनिया डेकेन, 17 कार्बन है हेप्टा डेकेन। तो दोस्तों अगर 20 कार्बन हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इफ n=20, इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हम, C20H इसको डबल करो 40+2 दैट इज 42। तो अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, 20 कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, डेकाडेकेन, इट्स अ आइकोसेन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज आइकोसेन। देखो फर्स्ट 20 कंपाउंड जो है उसके नेम्स हमने यहाँ पे लिखे हैं अलोंग विद देयर फॉर्मूलीज। ये जो मैंने बताया यहाँ पे, ये जो लिखा है, दिस इज योर मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर दैट कंपाउंड। अगर एग्जाम में आपको बताया व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला पेंटेन, सिंपली इट इज C5H12। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डेकेन C10H22। मॉलिकुलर फॉर्मूला प्रोपेन C3H8। दीज आर द मॉलिकुलर फॉर्मूलीज ऑफ योर कंपाउंड। अगर हमें तो ये डेकेन के फर्स्ट 20 कंपाउंड्स जो है इन सभी का मॉलिकुलर फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया है। ओके, तो ये हो गया आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हम निकाल देंगे, स्ट्रक्चर में क्या निकालना है हमें, कल मैंने आपको बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी है दोस्तों, कार्बन हैविंग 4 वैलेंसी। तो हम स्ट्रक्चर में दिखाएंगे कार्बन की 4 वैलेंसी, वेदर इट इज कंप्लीटेड और नॉट।
और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे कि वेरी फर्स्ट कंपाउंड जो आपका मिथेन, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन दोस्तों कैन बी गिवन एज, देखो यहाँ पे कार्बन है मिथेन में, तो पहले मैंने एक कार्बन लिख लिया, चार हाइड्रोजन है, आप सभी को पता है अल्केन सैचुरेटेड है, तो दोस्तों यहाँ पे सभी कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होने वाला है वो सिंगल बॉन्ड रहने वाला है, क्योंकि कार्बन ऑलवेज लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड इन अल्केन्स। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आप सोचेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको दिखाना है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, आपको दोनों के वैलेंस मालूम है, हाइड्रोजन हैविंग द वैलेंसी 1, कार्बन हैविंग द वैलेंसी 4। तो यहाँ पे देखो हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 कंप्लीट है और कार्बन की 4 वैलेंसी भी कंप्लीट है। दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर योर मिथेन, सिंपली इट रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स अराउंड द कार्बन। तो कार्बन सराउंडिंग में जो कुछ भी एटम्स है उसकी अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला है, दैट वन इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसी तरह से हम अल्केन्स, डिफरेंट अल्केन जो भी है उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, सेकंड में आपको बताता हूं। तो दोस्तों सेकंड जो आपका इथेन है, तो ये इथेन में कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है ये तो आप उस फॉर्मूला को देखते ही आपको पता चल जाएगा। मॉलिकुलर फॉर्मूला जस्ट रिप्रेजेंट हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला, दैट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। The formula which represents the exact number of atoms of various element present in that molecule, that one is the molecular formula. Molecular formula से हम क्या पता कर सकते हैं कितने atom hydrogen के कितने atom carbon के, लेकिन structure नहीं पता चलने वाला। तो structure के लिए हमको ऐसा ही formula represent करना होगा, which represents the arrangement of various elements अराउंड सराउंडिंग दैट कार्बन एटम। तो अभी हम सेकंड कंपाउंड जो इथेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इथेन, देर आर 2 कार्बन एटम, देयरफॉर जस्ट हियर ड्रॉ दिस 2 कार्बन एटम। पहले मैंने क्या किया, जितने भी कार्बन है वो लिख लिया, यहाँ पे 2 ही कार्बन है, मुझे पता है ये अगर अल्केन है तो उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने पहले सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी है दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी है 4, देयरफॉर जस्ट नाउ कंप्लीट द 4 वैलेंसी। अगर मुझे दोनों कार्बन की 4-4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ऑलरेडी एक वैलेंसी तो कंप्लीट होगी, इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी भी एक वैलेंसी, तो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज फॉर बोथ द कार्बन एटम मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, जस्ट बाय हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें दूसरा एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये जो वैलेंसीज है ये कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये हो गया आपका C2H6, कार्बन की 4 वैलेंसी भी आपको कंप्लीट दिख रही है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो वैलेंसी सभी की कंप्लीट होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी होनी चाहिए, एग्जैक्ट 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन एंड 1 वैलेंसी ऑफ योर हाइड्रोजन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर योर सेकंड अल्केन, दैट इज योर इथेन। अभी हम थर्ड अल्केन जो है प्रोपेन जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन हैं इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों ये जो प्रोपेन है आपको पता है यहाँ पे कितने कार्बन है, इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 कार्बन जो है रिप्रेजेंट करूंगा। अगेन मैंने 3 कार्बन निकाल लिए। तो दोस्तों अब ये 3 कार्बन निकालने के बाद मुझे मालूम है कार्बन कार्बन 2 कार्बन में मैं सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिखाऊंगा, बिकॉज अल्केन कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड। ये अगर अल्किन या अल्काइन होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करी, बाद में क्या करूंगा मैं, जस्ट मैं कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करूंगा। जैसे कि देखो अभी एक कार्बन की चार वैलेंसी में से ऑलरेडी एक वैलेंसी सेटिस्फाई, तो रिमेनिंग थ्री वैलेंसीज जस्ट सेटिस्फाइड बाय जिंक हाइड्रोजन। तीनों जो वैलेंसी बाकी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होने वाले। तो मिडल का कार्बन सोचो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी और दूसरे दो वैलेंसी कंप्लीट है, तो चार में से दो कंप्लीट है, तो मतलब दो बाकी है, तो दो बाकी है तो मैं इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करूंगा। तीसरा जो कार्बन है उसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो रिमेनिंग थ्री वैलेंसी जो कुछ भी है तो यहाँ पे मैं इस तरह से सेटिस्फाई करूंगा। तो ये हो गया आपका मिथेन, ये हो गया आपका इथेन, दिस वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। उसी तरह से आप सभी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी पेंटेन का निकालना है, एक कार्बन का मैंने देखा, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, भी डायरेक्टली पांच कार्बन का कंपाउंड हम लेंगे। तो पांच कार्बन अगर है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पांच कार्बन यहां पे निकालूंगा। सभी कार्बन में मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहां पे दिखाऊंगा, दिखा दिया। बाद में मैं सिर्फ वैलेंसी कंप्लीट करूंगा, एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, दो तीन वैलेंसी बाकी है, यहाँ पे दो वैलेंसी कंप्लीट है, दो बाकी है, यहाँ पे भी दो वैलेंसी कंप्लीट, दो बाकी है, यहाँ पे भी दो वैलेंसी कंप्लीट है, दो बाकी है, यहाँ पे एक कंप्लीट है, तीन बाकी है। तो यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोजन यूज किया तो दोस्तों यू कैन इजीली काउंट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर नीडेड हियर। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, देखो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो हो गए बारह हाइड्रोजन। तो इसी तरह से हम कौन सा भी अल्केन का स्ट्रक्चर जो है तो इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, ये होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में आ जाएगी। जैसे कि मैं अगर इथेन के बारे में सोचूंगा तो ये टर्मिनल कार्बन है, आखिरी का कार्बन है, ये शुरू में का कार्बन है और ये आखिरी का कार्बन है, ये दोनों जो है वो टर्मिनल है, बराबर है, यहां से शुरू होने वाला है, यहां पे एंड होने वाला है, तो टर्मिनल हम बोल सकते हैं उसको। तो टर्मिनल जो भी कार्बन है उस कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच है, देखो तीन हाइड्रोजन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है, इसको कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो कभी एक टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, शुरू में का और आखिरी में का सोचने का है सिर्फ, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है उसको, तीन हाइड्रोजन है। देखो एक टर्मिनल कार्बन उसको तीन हाइड्रोजन, एक टर्मिनल कार्बन उसको भी तीन हाइड्रोजन, लेकिन ये बीच में का जो कार्बन है यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में सोचेंगे अभी, हियर इज दिस अ टर्मिनल कार्बन थ्री हाइड्रोजन, दिस इज अ टर्मिनल कार्बन थ्री हाइड्रोजन, और जो बीच में के कार्बन है उससे टू हाइड्रोजन आइटम्स है। ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल आप सोच सकते हैं, किसी को भी ये पता चल जाएगा, बराबर है। तो अगर एग्जाम में आपको बोला कि इसका स्ट्रक्चर आपको निकालना है तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट अगर करना है दोस्तों, अगर इस स्ट्रक्चर को शॉर्ट करना है, ये जो पेंटेन का स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, पेंटेन का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा शॉर्ट करना है आपको तो कैसे हम कर सकते हैं, वेरी सिंपल दोस्तों। देखो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई ओमिट, निकालूंगा, रिमूव कर लूंगा द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड रिमूव करूंगा मैं, हाइड्रोजन रिमूव करूंगा। अगर मैंने वो बॉन्ड निकाल लिया, देखो ये बॉन्ड अगर मैंने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के पास आ जाएगा, ये भी कार्बन के पास आ जाएंगे, ये भी कार्बन के पास, तीनों हाइड्रोजन कार्बन के नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने के बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन आ गए, तो इसको हम इकट्ठा करके एग्रीगेटली जस्ट इट इज रिप्रेजेंटेड एज CH3, वेरी सिंपल। वैसे ही बाद में मैंने क्या किया, देखो ये जो बॉन्ड है मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया,
सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन को कितने हाइड्रोजन है दोस्तों? दो हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन कार्बन के पास अगर आ गए तो ये बॉन्ड मैंने निकाली, ये बॉन्ड मैंने निकाल लिया तो ये हो जाएगा आपका सी एच टू, आगे भी सी एच टू, वेरी सिंपल, ये भी सी एच टू, और आखिरी में क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन के बॉन्ड्स अगर मैं निकाल लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी एच थ्री। तो ये जो फॉर्मूला है हम कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं, जस्ट इट इज ऑप्टेन बाय ओमिटिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैंने निकाल लिए, तो इट इज इजी टू राइट। अगर आप ये लिखेंगे तो इसको थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि हर एक बॉन्ड्स आपको दिखाना है, ये उससे इजी है। और कुछ हम कर सकते हैं इसको कंडेंस करने के लिए, छोटा करने के लिए, स्मॉल करने के लिए? यस, जैसे मैंने पहले इसमें क्या इलिमिनेट किया, ओमिट किया, क्या मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मैंने ओमिट कर दिया, बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ओमिट किया वैसे हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ओमिट कर देंगे। ओमिट अगर कर देंगे तो सब ग्रुप्स जो है वो एक साथ आ जाएंगे। जैसे कि देखो मैंने पहले लिख लिया CH3, ये बॉन्ड अगर निकाल लिया तो ये इसके पास ही आ जाएगा, ये बॉन्ड मैंने निकाल लिया तो ये पास आ जाएगा, और ये बॉन्ड निकाल लिया ये भी पास आ जाएगा, इसको निकाल लिया तो ये भी उसके पास आ जाएगा। तो देखो उसको ये मैंने और शॉर्ट कर दिया, कम जगह में आ गया, जो कंडेंस हो गया उसका फॉर्मूला शॉर्ट हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, अभी तो निकालने वाला, निकालने के जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ बचा नहीं है। जैसे कि मैंने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लिया, ओमिट कर दिया, कार्बन कार्बन का जो भी बॉन्ड है वो भी मैंने ओमिट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट अगर है, बार बार आने वाला यूनिट जो है, तो उसे हम एक साथ दिखा सकते हैं और इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने ये सी एच लिख लिया, दिख रहा है सी एच थ्री? तो उसके बाद अगर आप सोचेंगे तो यहां पे देखो सी एच टू, फिर से सी एच टू, फिर से सी एच टू, तो सी एच टू कितने बार आ गया दोस्तों? सी एच टू आ गया आपका 3 times। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये जो सी एच टू है, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू 3 times वो रिपीट होने वाला है, तो मैं 3 times नहीं लिखूंगा उसे, सिर्फ मैं उसे 3 times ऐसे लिखूंगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये सी एच टू जो ये कितने बार है, 3 times से कंटिन्यूअसली, और ये आखिरी का सी एच थ्री। तो जो ये जो पेंटेन का स्ट्रक्चर मैंने निकाला, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने शॉर्ट कर दिया, कंडेंस कर दिया, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको 10 carbon का कंपाउंड है, 20 carbon का कंपाउंड है, तो इजीली हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 carbon का जो कंपाउंड है उसमें मैंने क्या किया, टर्मिनल तो ऑलवेज मैंने पहले आपको बता दिया, टर्मिनल अगर है तो कार्बन सी एच थ्री होगा। ये टर्मिनल मतलब सी एच थ्री ग्रुप, टर्मिनल मतलब सी एच थ्री ग्रुप, टर्मिनल मतलब सी एच थ्री ग्रुप, टर्मिनल मतलब सी एच टू। और 2 terminal अगर छोड़े दिए हमने, इधर का टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, अगर छोड़ दिया दोनों सी एच थ्री, तो बीच में का जो कुछ भी है वो आपका सी एच टू है, बराबर है। देखो यहाँ पे दोनों अगर मैंने छोड़ दिए तो बीच में क्या है, सी एच टू है। मैं 5 carbon में से 2 चले गए तो कितने बचे, 3, तो 3 times सी एच टू है। तो अगर मैंने 10 carbon का कंपाउंड लिखा है, डेकेन लिखा है, तो दोस्तों ये डेकेन को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो देखो दोस्तों सिंपल, पहले वाला फार्मूला अगर मैंने यूज किया तो 10 times मुझे वो कंपाउंड 10 carbon फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिप्रेजेंट करूंगा, 10 carbon रिप्रेजेंट कर लिए, हर एक कार्बन में मैं सी एच कार्बन में कार्बन सिंगल बॉन्ड निकालूंगा, बाद में वैलेंसी सेटिस्फाई करूंगा। आपको मालूम है टर्मिनल अगर है तो उसको 3 hydrogen 3 valency, बीच में के सभी कार्बन जो है उसे 2 hydrogen लगने वाले हैं वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और टर्मिनल को 3। देखो ये टर्मिनल 3 hydrogen, यहाँ पे भी 3 hydrogen, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए देखो, 3 और 2 5 7 9 11 13 15 17 19 20 21 22। तो 10 carbon अगर है
तो 22 हाइड्रोजन आपको लगने वाले हैं, हाइड्रोजन में दिखा था नहीं हमें। तो देखो अभी ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसे हम थोड़ा कंडेंस करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसा करना है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओमिट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स मैंने दिखाया है, अगर मैं ओमिट कर दूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CH3, बाद में क्या हो जाएगा CH2, करेक्ट, बाद में फिर से CH2, बाद में फिर CH2, ऐसा CH2 ये रिपीट होने वाला है। हाउ मेनी टाइम्स, देखो कितने टाइम्स आ गया, 10 कार्बन आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टर्मिनल अगर हमने छोड़ दिया, देखो ये टर्मिनल छोड़ दिया, ये भी टर्मिनल छोड़ दिया, तो बीच में CH2 ग्रुप आपको यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, CH2 ग्रुप है, तो बीच में का जो CH2 ग्रुप है वो हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट्स, तो वेरी सिंपल है, काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। 10 में से एक कार्बन चला गया, एक कार्बन चला गया, मतलब दो टर्मिनल के कार्बन चले गए, तो 10 में से दो अगर गए तो बीच में कितने रहे, बीच में आपके 8 कार्बन बच जाते हैं दोस्तों। तो वो जो CH2 ग्रुप है वो भी 8 बार आने वाला है, चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो उसे हम कंडेंस फॉर्म, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो पहले मैंने लिख लिया CH3, बाद में CH2 तो रिपीट होने वाला है, कितने टाइम्स वो रिपीट होने वाला है, मतलब CH2 मैंने एक ही बार लिखा लेकिन कितनी बार रिपीट होने वाला है, 8, तो जस्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8, और ये आखिरी का CH3 वो आ जाएगा। तो 10 कार्बन का कंपाउंड, जैसे 5 कार्बन का लिखा मैंने, उतनी ही जगह में उतनी ही टाइम में मैं 10 कार्बन का कंपाउंड भी लिख सकता हूँ, मैं 100 कार्बन का कंपाउंड भी लिख सकता हूँ। अगर 100 कार्बन का कंपाउंड है तो कैसे लिखेंगे उसको, उसका फार्मूला आपको मालूम है, 100 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन की वैल्यू एन की वैल्यू अपन यहाँ पे 100 लिया, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे दोस्तों, उसको डबल करो 200, उसमें 2 ऐड कर दो 202। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, मैंने पहले ही बता दिया दोनों टर्मिनल को हमको लिखना है CH3, मतलब 100 में से 2 कार्बन अगर चले गए तो पिच में कितने बचते हैं, 98। तो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे, देखो ये CH3, ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, बीच में CH2 आपको लिखना है कितने टाइम्स, 100 में से अगर ये 2 गए तो 98, तो 98 टाइम्स आप CH2 लिखेंगे। तो चाहे वो 1000 कार्बन का कंपाउंड हो या कुछ भी हो, आप अभी इजीली लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंडेंस फार्मूला। तो अल्केन्स के मॉलिकुलर फार्मूला आपको पता चल गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पता चल गया, कंडेंस फार्मूला आपको पता चल गया। तो दोस्तों पहले 10 कंपाउंड जो है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे तो बता दिए कौन से 10 कंपाउंड है, उसका एन की वैल्यू, देन मॉलिकुलर फार्मूला, देन उसका नेम, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फर्स्ट 10 कंपाउंड का, आपको ये होमवर्क है आपके लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आप निकालेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज हम कल करने वाले हैं, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर निकालने वाले हो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहने वाला है। आपको स्ट्रक्चर कौन सा निकालना है, लाइक दिस, चाहे तो आप कंडेंस कर सकते हैं उसको आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो कल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे वो बहुत सिंपल रहने वाला है, उसमें ब्रांच क्या होने वाला है, ब्रांच अगर है तो उस अल्केन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस अल्केन का नेमिंग हम कैसे करेंगे, ये तो ए बाद में हम बोलेंगे। कल मैंने आपको बताया था व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल, कार्बन ये वर्सेटाइल क्यों है, कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, या कार्बन के कंपाउंड्स मिलियंस में क्यों है, उसका एक रीजन मैंने आपको बताया था, और वो रीजन था द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन शोज द फेनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो कार्बन के जो कंपाउंड है वो आपको आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन दिखाते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है, उसमें ब्रांच कैसे एडजस्ट करेंगे, ब्रांच का स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। अगर आपको पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5, देन हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं, सब बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कल का जो मेरा वीडियो आने वाला है, अपलोड जो मैं करने वाला हूँ, उस वीडियो में वो देखना मत भूलिए। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में 11th और 12th का आपको आइसोमेरिज्म देखना है, आइसोमेरिज्म आपको मिलने वाला है। तो आइसोमेरिज्म का बेस कल मैं बताने वाला हूँ, और फर्स्ट 10 एल्केन कैसे आपको आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे डिफरेंटली निकाल सकते हैं, ये सब बातें जो है मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिए दोस्तों। ये वीडियो देखने के टाइम पे आपको लाइक करना है, कमेंट्स आपको देना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उससे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, उसको बेल आइकॉन प्रेस करो, ताकि मैं जो कल परसों या कुछ जो कुछ भी वीडियो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करो, और आखिरी में क्या बोलूँगा मैं आपको, जस्ट स्टे एट होम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बी सेफ। आप घर में ही रहिए, हर एक सब्जेक्ट की आपकी इजीली तैयारी हो सकती है, जस्ट फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। केमिस्ट्री का तो मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी सब जिम्मेदारी में लेता हूँ, ए से झेड तक मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा दोस्तों। सिर्फ मुझे फॉलो करो, मेरे सब वीडियोज तुम देखते जाओ, मुझे लाइक करो, अगर आप लाइक करते तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी पावर 10 गुना बढ़ाता है दोस्तों, तो ये मत भूलिए। जैसे ही वीडियो आप शुरू करते हैं, वैसे उसे लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। तो दोस्तों आज के लिए इतने, लेकिन आखिरी और बार बताऊं, कल का जो वीडियो आने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना मत भूलिए। बाय।